वैसे तो इस कुदरत ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमें कई तरह के गिफ्ट्स दिए हैं। इस कुदरत से हमें हर तरह के गिफ्ट्स मिले हैं, बट उन सभी गिफ्ट्स में सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अनमोल गिफ्ट जो है वो है हमारे शब्द, यानी बोलने की कला और सुनने की कला। ये दो ऐसे गिफ्ट्स हैं कि अगर आप ये समझ जाते हैं कि बोलने का सही तरीका क्या है और सुनने का सही तरीका क्या है, तो आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर मैं बात करूं मानसिक तनाव, टेंशन या डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, हमारी लाइफ में बहुत सा स्ट्रेस इसी वजह से आता है कि हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमारी स्पीच तो सही होती है, हमारे वर्ड्स तो सही होते हैं, मगर जो ऑडियंस हम चुनते हैं वो गलत होती है। अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो राइट स्पीच एंड रॉन्ग ऑडियंस। स्पीच तो हमारी सही होती है, ऑडियंस हमारी हम चुनने में जो है वो फेल हो जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप अपने एक फ्रेंड से बात करते हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, आपको बॉलीवुड की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप हर एक्टर, एक्ट्रेसेस, इवेंट्स और सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है उसको बॉलीवुड से नफरत है। वो एक्टर, एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कोई बात ना तो सुनना चाहता है और ना ही करना चाहता है, बट आप हैं कि आप उसको बॉलीवुड के मैटर पे बात शुरू कर देते हैं, अपनी पूरी नॉलेज आप दिखाना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं इससे क्या होगा? क्योंकि उसको बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको किसी एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं है, बट आपने जो टॉपिक चूज किया डिस्कशन का वो चूज किया बॉलीवुड, एंड ही लिटरली हेट्स। उससे क्या होगा? वो इंसान जैसे कैसे आपको सुन तो लेगा, लेकिन दूसरी बार वो कोशिश करेगा कि आपसे दूर ही रहे। इसी तरह कुछ परिवार में भी होता है। असल में एक बात आपको समझनी होगी कि आप इन जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये देखना होगा, सिर्फ ये मत देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है या आप क्या जानते हैं वही ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस मैटर पे आप बात करने वाले हैं, क्या उस इंसान का इस बात में कोई इंटरेस्ट है या नहीं, क्या वो आपकी बात सुनना भी चाहता है या नहीं, क्या वो इस टॉपिक पे बात करना भी चाहता है या नहीं। आपको कितनी भी नॉलेज हो, आप कितना ही ब्यूटीफुली बोलते हो, अगर सामने वाले को आपके टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो एवरीथिंग विल बी यूजलेस। तो स्पीच इज राइट बट द ऑडियंस इज रॉन्ग। अगर हम अपने बोलने के तरीके को ठीक कर लें, अगर हम अपने ये समझ जाएं कि हम अपने शब्दों को कहां और कैसे इस्तेमाल करें, हमारे जीवन में आने वाले बहुत से संकटों से हम बच जाएंगे। लेकिन यही काफी नहीं है। अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छा लिसनर बनना भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी की बात को बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, अगर आप में सुनने की कला है, तो आई एम श्योर आपको ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह जाएंगे। और अगर आप किसी की बात को अच्छे से सुनते ही नहीं है और बिना सुने उसको रिस्पॉन्ड करते हैं या बिना सुने उसको जवाब देते हैं, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या वो इंसान अंदर से तो आपको रिजेक्ट कर देगा, शायद ऊपर से आपको मुस्कुरा के कहेगा इट्स राइट। तो आई रिपीट, आपकी स्पीच तो करेक्ट है, आपकी नॉलेज तो ठीक है, बट आपने ऑडियंस ठीक नहीं चुनी। अगर आप बॉलीवुड की बात उस इंसान से करें जो बॉलीवुड में इंटरेस्टेड है, आप चांद तारों की बात एक एस्ट्रोनॉट से करें, आप वो मत बोलिए जो आप पसंद करते हैं, आप वो बोलिए जो सामने वाले को पसंद है। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग मानसिक तनाव, टेंशन या डिप्रेशन में होते हैं, उसका रीजन यही होता है कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं और सुनते बिल्कुल भी नहीं है, इसकी वजह से उनकी लाइफ में तनाव बढ़ता जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें जो शब्द मिले हैं ना, इसको हीरे मोती की तरह जरा संभाल के रखिए और ध्यान से यूज कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके वर्ड से, आपके शब्दों से कहीं कोई हर्ट ना हो जाए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत से तनाव और टेंशन तो आपकी लाइफ से वैसे ही छूमंतर हो जाएंगी। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक मोटिवेशनल स्पीकर बहुत एक अपना सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सी दुनिया उनको सुनने के लिए जाती है, वो बहुत फेमस होते हैं। एक व्यक्ति, वो भी बहुत एक्साइटेड होता है, सेमिनार में पहुंच जाता है।
मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पे चढ़ते ही कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्टेज पे चढ़ते ही कहते हैं, मेरी वाइफ ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी वाइफ ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे कंगाल कर दिया। ये बात सुन के सारी ऑडियंस स्टन हो जाती है, ये इन्होंने क्या कह दिया। वो रिपीट करते हैं, मेरी वाइफ ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे कंगाल कर दिया। सब बड़े एक्साइटेड होते हैं और सोचते हैं कि क्या। फिर मोटिवेशन स्पीकर मुस्कुरा के कहते हैं, पूरी बात सुनिए, मेरी वाइफ ने मेरा दुख मेरे से छीन लिया, मेरी वाइफ ने मेरी प्रॉब्लम्स मेरे से छीन ली और जब से मेरी लाइफ में मेरी वाइफ आई, मेरी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आ गई एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई वाइफ। एक व्यक्ति जो उस मोटिवेशनल सेमिनार में बैठ के ये स्पीच सुन रहा होता है, बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है, सोचता है क्यों ना मैं ये बात घर जाके अपनी वाइफ को करूं। और वो बहुत एक्साइटेड होकर अपने घर जाता है और जैसे ही अंदर पहुंचता है, उनकी वाइफ काम कर रही होती है किचन में, उनके पास जाके कहता है कि मेरी वाइफ ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी वाइफ ने मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर कहता है, मेरी वाइफ ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब उनकी वाइफ बहुत गुस्से में आ जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ ने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके बाद अगले दिन उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में पाया जाता है। आप जानते हैं उसका रीजन क्या था? उसका रीजन सिर्फ इतना सा था कि उस व्यक्ति ने इस बात को तो बहुत ध्यान से सुना कि मेरी वाइफ ने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन उससे आगे की बात वो भूल गए, उससे आगे की बात उन्होंने ध्यान से सुनी नहीं, जिसकी वजह से अगले दिन उनको हॉस्पिटल में पाया गया। बात आप समझ गए होंगे। तो बोलना ही काफी नहीं है, सुनना भी बहुत जरूरी है। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही था, बी अ वेरी गुड लिसनर। बी अ वेरी गुड लिसनर मीन्स अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए भी आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर की आवाज को ध्यान से सुन पाते हैं तो बाहर की चीजों को, बाहर की बातों को भी आप बहुत ध्यान से सुन पाएंगे। और टेंशन और तनाव तो आपको कभी होगा ही नहीं अगर आप बोलने का सही तरीका जानते हैं, और अगर आप में सुनने की क्षमता है तो आप अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली लीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।